लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात करती हो, उन लोगों को 5,000 में मकान दे दूं? उन गरीबों को 5,000 में ही अपने मकान मिलने चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? इसलिए कि जिस हालत में उन्हें देखकर आई हूं, उन्हें मुफ्त में मकान मिलने चाहिए। लेकिन मकान तो जस्ट अ मिनट। चलो मान लिया, अगर हम उन लोगों को 5,000 रुपए में मकान दे दें, तब तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी ना? हाँ, मगर याद रखिए, मेरी शादी तभी होगी जब उन कुलियों को अपने घर मिल जाएंगे। अरे भाइयों, अरे खुशखबरी, अपने अपने पैसे तैयार रखो, हम लोगों को घर बहुत जल्दी मिलने वाला है। चलो चिटफंड चलते हैं, पर मकान के लिए जमा पैसा निकालते हैं। चलो आओ। वेलकम वेलकम गोगा। हमारे मद्रास के ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ गई है। क्या कह रहे हो? जफर साहब ने कहा है इससे पहले कि पुलिस यहाँ में छापा मारे, जो भी 15-20 लाख रुपए यहाँ से लेकर निकल जाओ। जल्दी करो बॉब, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और जितने भी कागजात हैं सब जला देने चाहिए, ताकि वो जब यहाँ आए उनको कोई सबूत ना। जासूसी करता है, पकड़ लो इसे, ले जाओ अंदर। अबे चुप सनी, बहुत जल्द जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम डैडी और ये चमड़े का चमचा ले जाओ इसे ऊपर, बांधो। साहब आएंगे तो इसका फैसला होगा। अबे तुम लोग क्या मेरा फैसला करोगे? मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। बहुत दिनों से बॉब चिट फंड के पीछे पड़ा हुआ था मैं, आज मेरे हाथ सबूत लगा, मैं तुम्हारे सारे कारनामे जरूर फ्रंट पेज पे छापे हुआ देखना। साले चोर, अपने बाप का पैसा समझ के भाग रहे थे। माल तो भारी है, माल उठाने को कूली मांगता है क्या? तू माल उठाएगा टुंडे? हाँ, क्योंकि माल हमारा है, लाओ। चलो भागने का कोई चांस नहीं है भाई, हमारे सब लोगों ने घेराव डाला है। इस हाथ में बहुत ताकत है। उस दिन गलती की जो तेरा एक ही हाथ काटा, आज मैं तेरा दूसरा हाथ भी काट दूंगा। कुल्हाड़ी इकबाल नहीं था तो कुलियों का खून अपने बाप का माल समझ के बहा दिया। एक तो चिट चला दिए, ऊपर से फंड लेके भागा। Thank you.
देखा इकबाल, बाप के आदमी ने जान देने की कोशिश की, माँ ने जान बचा ली, इसलिए तो हमेशा माँ की तस्वीर साथ लेके घूमता हूँ मैं। माँ होती है ऐसी चीज है मेरे दोस्त, मैं तो जब भी दुखी होता हूं मां की तस्वीर के सामने जाकर अपने सारे दुखों का बोझ हल्का कर लेता हूं, और खुशी के मौके पर मां की तस्वीर को सबसे पहले खुशखबरी सुनाता हूं। तुम किस्मत वाले मेरे दोस्त, तुम्हारे पास मां की तस्वीर है, मां भी होगी। मुझ बदनसीब के पास तो सिर्फ मां की तस्वीर है, मां नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बिछड़ गई वो। कैसे? बरसों पहले जब मैं 8 साल का था, हमारे गांव में सैलाब आया, सारा गांव बह गया। मम्मी, अब्बा, सब बह गए। कुछ महीनों बाद मैंने मम्मी को रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा। मैं उनके पास गया और मैंने कहा, अम्मी, मैं आपका इकबाल। उन्होंने मुझे खोई हुई नजरों से देखा, ऐसा लगा जैसे जैसे वो मुझे पहचानती ना हो। अरे तो मुझे बोल मेरे दोस्त, मैं अपने अखबार में उनके बारे में लिख दूंगा, वो जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ निकालूंगा। क्या नाम है उनका? मेरी मां का नाम भी सलमा है। कुछ ज्यादा बताया उनके बारे में? सुना है कि वो विलायत में थी। जाने आया हूं अम्मीजान, याद कीजिए अम्मीजान, हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी, ये सैलाब क्या आया, हमारी जिंदगी की सारी खुशियां भाग कर ले गया। एक बार अपने इकबाल को बेटा कहकर अपने सीने से लगा लीजिए, वरना आपका ये बेटा रो रो कर आपके कदमों में दम तोड़ देगा। बचपन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैं आपको तन्हाई में याद करके नहीं रोया। आज बरसों बाद मेरी रूठी हुई तकदीर को मुझ पर रहम आ गया। मां के दीदार होकर जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। चलो मियां, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। मिस्टर, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? इन्हें अगवा करने के जुर्म में। ये मेरी मां है। झूठ बोलता है ये इंस्पेक्टर। नहीं, ये इसकी मां है और नहीं इसका बेटा है। यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए इनसे। क्यों मैडम, क्या ये आपका बेटा है? ये बोल नहीं सकती, इनकी यादाश्त जा चुकी है। क्या सबूत है कि ये तुम्हारी मां है? मेरा सीना चीर कर देख लो, इसमें तुम्हें मेरी मां की तस्वीर नजर आएगी। कानून इन सब बातों को नहीं मानता। अगर तुम्हारा कानून ये सब बातें नहीं मानता तो मैं भी तुम्हारे कानून को नहीं मानता। ये मेरी मां है और मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझे रोकता है।
भी जाए। का बेटा नहीं है, वो यहां की सारी दौलत चुरा कर फरार हो जाना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत तो आपने लूट ली है, उसकी मां। और चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाता। सही, चिल्लाइए मत। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या करते हैं, आपका कारोबार क्या है। आपने बॉब चिट फंड के जरिए गरीब कुलियों के पैसे किस तरह हजम किए, और वो सब इस फिल्म में बंद है। इस फिल्म अगर आपने मेरे भाई का हक उसे वापस नहीं दिया और गरीब कुलियों के पैसे उन्हें वापस नहीं लौटाए, तो कल के अखबार में मैं आपके सारे कारनामे छाप दूंगा। करेक्ट? सुना, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो नहीं छापूंगा। ठीक है, रुको, मैं चेक लेकर आता हूं। अमीजान, मैं अपने भाई इकबाल से आपको जरूर मिला के रहूंगा। ये लो, ये रहा चेक। हेलो, मैं जफर बोल रहा हूँ। यस सर। सनी अब हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है, इसलिए उसे खत्म कर दो। Shoot, 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 shoot.